वेलकम टू एपिसोड नंबर 2। इस एपिसोड में मैं गौर सौंदर्यम की साइट को कवर कर रहा हूँ। मैंने एक पहले एपिसोड बनाया था जिसके अंदर मैंने क्लाइंट ब्रीफ और डिटेल डिजाइनिंग के बारे में बात करी थी। आज मैं आपको अपने वो सीक्रेट्स बताने वाला हूँ कि हमने उसे डिज़ाइन बनाया कैसे, उस डिज़ाइन की रेफरेंस क्या ली, उस डिज़ाइन को बनाया कैसे और क्लाइंट को कैसे समझाया हम क्या करने वाले हैं। हर आदमी को ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है, ज़रूरी नहीं है वो पहले दिन बन जाए। Hi, my name is Shashank Jain. Welcome to our channel Woodofa. अब मैं आपको मूड बोर्ड प्रेजेंटेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि ये वो पहली प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हम जो क्लाइंट ने हमें ब्रीफ दिया है, जो उसने कुछ इमेजेस शेयर करी हैं अगर करी हैं तो, या उसके थॉट्स से हमने क्या सोचा है कि हम आपको क्या प्रेजेंट करें जिससे आपको घर का एक आइडिया और फील आने लगे, तो वो सब कुछ इस प्रेजेंटेशन में होता है। ये सबसे पहले हम प्लानिंग जो अपने पिछले वीडियो में बात करी थी फ्रीज कर ली है, एक मीटिंग में फ्रीज करने के बाद हमने उस प्लानिंग के बेसिस पे इस मूड को बनाया है। इस मूड में वो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं पूरे घर के जो इस घर में आने चाहिए, फॉर एग्जांपल बेडरूम्स हैं, लिविंग रूम्स हैं, किचन्स हैं, बालकनीज हैं, डेकोर है या फिर वॉशरूम्स हैं, एंटायर पीस इस मूड बोर्ड के अंदर आ जाता है। हम इस मूड बोर्ड के अंदर दिखा देते हैं, पर अभी मैं आपको कुछ ही एरियाज आज दिखाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको 2 या 3 एरियाज के बारे में बात करूंगा और उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्क्राइब करता हूँ। तो ये हमारा एंट्री है कि जैसे कि मैं आपको पिछली बार प्लानिंग में बता रहा था कि एंट्री है, एंट्री पे कि हम एक डोर बनाने वाले हैं, उसका एक रेफरेंस है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेन वॉल है उसके अंदर हम कुछ टाइलिंग करने वाले हैं या फिर वुडन की पैनलिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर एक नेम प्लेट आएगी विच इज़ बैकलाइटेड। तो ये सारे एलिमेंट्स, ये मल्टीपल हमने यहाँ पर मूड्स दिखाए, मल्टीपल इनको यहाँ पर गेट्स दिखाए, तो जाके ये एक गेट फाइनल हुआ कि हाँ ऐसा कुछ एक रेफरेंस मेरे को क्लिक कर रहा है मेरे घर के लिए, और फिर उसको हमने अपने मॉडल के अंदर डाला। तो यहाँ पर ये फ्रंट फॉयर है, सो आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप एंट्री करते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पर ये फॉयर की वॉल है और फॉयर का एक एरिया है जो कि कंसोल आएगा। तो हमने ये बहुत सारे कंसोल्स में से एक कंसोल को फाइनल किया, बहुत सारे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन ऑफ द वॉल जो हम वॉल पे दिखाने वाले थे उसमें से एक को फाइनल किया, और ऐसी कुछ पिक्चर गैलरी विद देयर फैमिली फोटोज हम इस वॉल पे प्लान कर रहे हैं। तो इस इमेज से अब आपको ये थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी होने लगी है कि वहाँ पर एलिमेंट क्या आएगा। एक्चुअल कलर और डिज़ाइन आपको बाद में क्लियर होगा, पर इससे एलिमेंट क्लियर हो जाता है। इसमें हम लिविंग रूम को और लिविंग एरिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि यहाँ पर ये बेड सोफा के पीछे की जो वॉल है उसके अंदर कैसे टी प्रोफाइल्स आएंगी या कैसे इसके अंदर हम लाइटिंग ऐड कर सकते हैं, किस तरीके का सोफ़ा आ सकता है, किस तरीके का टीवी पैनल आ सकता है, एंड अगर कोई पार्टीशन है उस एरिया को डिवाइड करने के लिए तो क्या हो सकता है। तो ये भी मल्टीपल मूड्स, मल्टीपल रेफरेंसेस हमने डिस्कस किए और वहाँ से हमने ये एरियाज़ को पार्क किया कि अच्छा इस एरिया में ऐसा कुछ करेंगे, इस एरिया में ऐसा कुछ करेंगे, पर ये सब कुछ सिंक्रोनाइज हो जाए एक साथ वो हमें इंश्योर करना था। ये उसका डिटेल सेक्शन प्लान है कि वो अगर बनेगा तो किस तरीके बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन था तो क्लाइंट को समझ में नहीं आ रहा था पहली बारी में, तो हमने उसको डिटेल ड्राइंग करके समझाया ये 2D ड्राइंग की मेथड से कि कैसे मिरर आएगा या कैसे उसके अंदर बीच में कुछ एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन आएगा जो फिर वो सुंदर लगे। अब मैं आपको इसी का ना एक 3D मॉडल दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले हम डाइनिंग एरिया को भी समझ लेते हैं तो उसको समझना आसान होगा। तो ये एक क्रॉकरी यूनिट है जो कि आप देखोगे कि उस एरिया में हमने मार्क किया है, यहाँ पर डाइनिंग एरिया के सामने, किचन के बिल्कुल सामने। तो ये एक ग्लास शटर्स काइंड ऑफ एलिमेंट है जो कि थोड़ा विजिबल होगा अंदर से, अंदर से ग्लास शेल्व्स भी आएंगी एंड ये कुछ ड्रॉर्स एंड शटर्स के फॉर्मेट में बन जाएगा। तो ये पूरा डिज़ाइन हम एग्जैक्टली रेप्लीकेट कर देंगे ऑन साइट, और मल्टीपल डिस्कशंस के बाद ये हमारा फाइनल हुआ कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। अब मैं आपको इसी घर का एक 3D मॉडल और वॉक थ्रू दिखाऊंगा जो कि हम जनरली हर किसी के लिए नहीं करते, क्योंकि एक हाई वैल्यू प्रोजेक्ट था और इसके अंदर हमारे पास टाइम था डिज़ाइन को लेके, तो हमने 3D मॉडल और 3D वॉक थ्रू बनाया, या तो 3D इमेजेस बनाई जा सकती थी, तो हमने एक लेवल और ऊपर जाके इसका वॉक थ्रू बनाया सो दैट द क्लाइंट कैन एंटायरली विजुलाइज द एंटायर 4 वॉल्स। ये मैं सजेस्ट करूँगा, सभी के लिए ज़रूरी नहीं होता, पर किसी किसी क्लाइंट्स को जहाँ पर उनके पास टाइम और पैसा होता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है और बहुत बहुत एफर्ट लगता है एज डिज़ाइनर्स हमें इसको बनाने का, कई कई बार एक एक महीना लग जाता है एक एक रूम का मॉडल बनाने के लिए, इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम। तो मैं अभी आपको मॉडल दिखाऊंगा कि वो मॉडल कैसे बना। तो जो अभी मैंने आपको रेफरेंसेस दिखाए
और मॉडल कैसे बना एक्चुअल, फिर ग्राउंड पे वो मॉडल दिखेगा कैसे, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लिविंग रूम की बात कर लेते हैं और उसी के मॉडल की बात करते हैं। तो आप ये देखिए, ये घर को सेक्शंस में हमने काटा। ये एंट्री है, फॉयर है, यहाँ पर फॉयर पे हमने कंसोल लगाया, उसके ऊपर कुछ मिरर्स लगाए हैं और हमने एंट्री करी टुवर्ड्स द लिविंग रूम एरिया। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 4 सीटर सोफा डाला, 2 चेयर्स डाली और 1 बेंच डाली। यही सारी चीज़ें हमने पिछले 2D मॉडल के अंदर डिसाइड करी थी, पिछले 2D ड्रॉइंग्स के अंदर बनाई थी, वही हमने एक्चुअल 3D पे यहाँ पर दिखाई हैं। तो ये क्रॉकरी यूनिट है जो कि किचन के सामने है। तो यही अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको रेफरेंस इमेज दिखा रहा था, तो उस रेफरेंस इमेज की बेसिस पे हमने इसके मॉडल के अंदर ये वैल्यू को डाला है। ये इसका टीवी यूनिट है राइट अपोजिट टू इट। तो ये टीवी यूनिट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लूवर्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर ग्लास है, नीचे कुछ ड्रॉर्स हैं, इस तरीके से डिजाइन किया। ये किचन की मेन एंट्री है। किचन की मेन एंट्री करते ही सामने विकर बास्केट एंड माइक्रोवेव है। देन लेफ्ट हैंड साइड पे ये एल काउंटर है, जो कि मैं ऑलरेडी किचन के लेआउट में और किचन की डिटेल ड्राइंग में बता चुका हूँ। तो ये सारा कुछ किचन की वैल्यू के लिए है। फॉर एग्जांपल, आप जैसे कि ये एंट्री करते राइट हैंड साइड पे ये फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, देन ये वेजी सिंक है और ये बाहर वाली बालकनी को कवर करते हुए हमने यहाँ पर एक यूटिलिटी सिंक और डिशवॉशर का यूनिट बनाया है। तो अगर आप ऊपर से देखें तो ये किचन इस तरीके से यहाँ पर दिखने वाली है और ये पूजा मंदिर यूनिट है जो कि लिविंग रूम से एक्सेसिबल है। तो ये एक 3D मॉडल है उस पर्टिकुलर एरिया का। इससे काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ये टॉप व्यू है जिसके अंदर ये बताता है कि क्या क्या एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पे आएंगे और ये डिज़ाइंस ज़रूर चेंज हो सकते हैं एट द एंड, जब तक बन के सामने आए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम बनाने लगते हैं, डिज़ाइन करने लगते हैं, तो डिटेलिंग करते करते कुछ चीज़ें और क्लैरिफाई होती हैं, क्लाइंट्स को भी विजुअलाइजेशन और क्लियर होती है। हम उसमें कलर्स, उसमें डिज़ाइन, उसमें कुछ मॉडल्स हम चेंज भी कर देते हैं। तो ये सब कुछ हो सकता है वंस यू गो थ्रू द डिज़ाइन प्रोसेस। तो एक एक करके इसके अंदर हम करेंगे, एक एक करके एलिमेंट्स को डालेंगे और तभी वो एलिमेंट्स वहाँ जाके दिखेंगे। अब मैंने आपको एक लिविंग रूम और डाइनिंग रूम का और किचन का थोड़ा सा फील दे दिया, जिसके अंदर एक थोड़ा सा मूड बोर्ड था, थोड़े से रेफरेंसेस इमेज थे और एक 3D मॉडल था, एक 3D वॉक थ्रू था। तो इससे काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाती है कि हमारा डिज़ाइन बनने क्या वाला है। इसके बाद 2D डिटेल ड्राइंग्स बनेंगी, जो मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको दिखाई थी, जिसमें मैंने किचन की काफ़ी डिटेल मॉडलिंग करी थी एंड 2D की ड्राइंग बनाई थी। उसके अंदर कितनी ड्रॉर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, वो सब हमने एक्सप्लेन किया था। अब मैं आपको एक रूम और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए कि वो रूम जो 2D पे आप स्पेस प्लानिंग में पिछले वीडियो में देख रहे थे एपिसोड 1 में, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इसमें मैं लिंक भी दे दूंगा उस वीडियो का। तो उसमें आपको प्लानिंग क्लियर हो जाएगी और यहाँ पर आपको उसकी रेफरेंस इमेजेस और उसका 3D मॉडल क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं मास्टर बेडरूम में हमने क्या किया है। तो ये मास्टर बेडरूम है, आप देख सकते हैं कि बेडरूम का लेआउट है। एंट्री करते ही ये वाली वॉल हमने तोड़ दी और सामने ये एक पूरा बेडरूम का बैक बनाया। तो ऐसा करके कुछ लोअर का डिज़ाइन, कुछ बेड का बैक, कुछ एलिमेंट ऑफ मिरर एंड एक बेड, सुंदर सा बेड हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया विद 2 साइड टेबल्स। ये रेफरेंस इमेजेस हैं, मैं पहले आपको बता रहा हूँ ये इमेजेस हमने नहीं बनाई हैं, ये रेफरेंस इमेजेस हैं जिसके बेसिस पे या तो क्लाइंट ने हमें कुछ दी या हमने क्लाइंट को दिखाया और हमने एक मूड को फाइनलाइज करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करी। ये वो ड्रेसर है जो एंट्री करते आपको ड्रेसर दिख रहा है, तो इसी मॉडल में हमने वहाँ पर मिरर बनाया, ड्रॉर्स बनाई और यहाँ पर लूवर्स भी लगाए। तो एक रेफरेंस से ये क्लैरिटी आ जाती है कि क्या क्या एलिमेंट्स मेरे कमरे में होने वाले हैं और किस किस एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स व्हाइल डूइंग द मॉडल्स और द ड्राइंग्स। अब इसका एक बार मॉडल भी देख लेते हैं कि रूम मॉडल में कैसा लग रहा है। ये बेडरूम में एंटर कर रहे हैं। सो इफ यू सी, सामने अगर आपको याद हो प्लानिंग में एक वार्डरोब थी, पीछे बेड था, बेड का बैक था, लूवर्स थे एंड देन सामने ये वाली वॉल हटके ये बाथरूम का दरवाजा था। तो इसी तरीके से हमने एक्चुअल ऑन ग्राउंड वहाँ पर बनाया है। अगर आप देख पाएं कि यहाँ पर टीवी यूनिट है, ये एक ड्रेसर है जो वॉल थी निकल गई, तो ये ड्रेसर पूरा ऐसा कुछ दिखने वाला है। ये एक टीवी यूनिट है, ऐसा कुछ दिखने वाला है एंड उसके साथ पूरे रूम को अगर आप विजुलाइज करें तो आपको ये क्लैरिटी आती है कि वार्डरोब कैसे आएगी, वार्डरोब स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी, किस तरीके की हैंगिंग लाइट्स आएंगी और क्या तरीके का डेकोर आएगा। तो इस मॉडल में वो सब क्लैरिटी आ जाती है
और थोड़ा डिटेल समझ में आने लगता है। अगेन मैं बोलूँगा ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इस मॉडल में बहुत टाइम देना पड़ता है बनाने के लिए, और आपके पास अगर टाइम हो और बजट हो, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन कॉस्ट, ये कॉस्ट भी बढ़ाता है प्रोजेक्ट की, तभी आप इसे बनवाइएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको बनाने की, इसके बिना भी अच्छा घर बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने उनको मास्टर बेडरूम के कलर पैलेट्स और स्कीम्स को विजुलाइज कराया और यहाँ पर डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। तो मैंने आपको दो चीज़ें दिखाई अभी, एक मैंने आपको रेफरेंस इमेजेस मूड बोर्ड दिखाया, एक मैंने आपको 3D वॉक थ्रू मॉडल दिखाया। इसके बाद भी बहुत सारा कुछ करना पड़ता है एक्चुअल डिज़ाइन को ज़मीन पर उतारने के लिए या साइट पर बनाने के लिए। आपको थोड़ा ट्रस्ट भी करना पड़ता है अपने डिज़ाइनर के ऊपर, क्योंकि कई बार कई चीज़ें पिक्चर में क्लैरिटी नहीं आ पाती, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने डिज़ाइनर को कि नहीं यार वो मेरे लिए अच्छा काम करना चाहता है, वो मेरे लिए अच्छी डिज़ाइन बनाना चाहता है, वो मेरे लिए एक अच्छी वैल्यू क्रिएट करना चाहता है घर में। जब तक आपके बीच में टू एंड वे ट्रस्ट नहीं आएगा, आई एम वेरी श्योर कि घर अच्छा नहीं बनेगा। तो प्लीज़ अगर आप किसी से भी डिज़ाइन कराएं, किसी भी डिज़ाइनर को हायर करें, उसको ट्रस्ट करें, वो आपके लिए अच्छी ही चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको थोड़ा टाइम तो ज़रूर देना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें एक दूसरे की बात समझ में आने में टाइम लगता है, एक मीटिंग, दो मीटिंग, तीन मीटिंग्स भी लग जाते हैं बेसिक क्लाइंट के ब्रीफ को समझने में और उसको क्लैरिफाई करने में। कई बार 2D प्लानिंग ऑप्टिमाइजेशन में भी दो दो तीन तीन मीटिंग्स लग जाती हैं, तभी भी वो क्लियर नहीं हो पाता, और कई बार वो एक घंटे में भी क्लियर हो जाता है। तो सिमिलरली जब आप रेफरेंस इमेजेस और मूड बनाते हो उसके अंदर भी टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ता है। देखिए ये आपका घर है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है आप बाजार से लेके आ रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, ये आपका घर है, तो आपको उतना टाइम देना ही होगा उस घर को अच्छी फील और अच्छी वैल्यू बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरा एपिसोड नंबर 2 खत्म हुआ, जिसमें मैंने आपको डिटेल डिज़ाइन और रेफरेंस इमेजेस और 3D वॉक थ्रू मॉडल के बारे में बताया। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर माई नेक्स्ट एपिसोड, विच इज़ एपिसोड नंबर 3। देखते रहिएगा, बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड है, वर्क इन प्रोग्रेस साइट का एपिसोड है, और बहुत सारा कुछ नया देखने को आपको मिलेगा। हम पहली बार वो एपिसोड बनाएंगे, हमने कभी नहीं बनाया आज तक, तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा कि हम साइट पर काम कैसे करते हैं।